नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में खान निरीक्षण के 100 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। डब्ल्यूएचओ की 4 सदस्यीय टीम पहुंची बिहार। बिहार के सभी जिलों में इस महीने से शुरू होगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक। शिक्षा मंत्री ने की सिंगल विंडो वाले 3 ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत। अलर्ट के साथ ही बिहार के 13 जिलों के स्टेशन पर बढ़ाई गई चौकसी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में खान निरीक्षक के 100 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने खान निरीक्षक के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से खान एवं खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जियोलॉजी में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2021 और पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर 2021 तय की गई है। पटना सहित बिहार के 12 जिले में बनेंगे औषधीय पौधे के पार्क। बिहार में अब औषधीय पौधों का पार्क बनने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही पटना सहित बिहार के 12 जिलों में औषधीय पौधों के पार्क को बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। बिहार सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार लोगों में औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। यही कारण है कि बिहार सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग औषधीय पौधे बनाने जा रहा है, क्योंकि अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें औषधीय पौधे की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें इन पौधों की जानकारी मिलने वाली है, जिसके तहत अब चरणवार तरीके से पार्क निर्माण का काम किया जाएगा। पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास और जमुई में निर्माण होगा। वहीं दूसरे चरण में भागलपुर, गया, आरा, पूर्णिया, नवादा समेत 8 स्थानों पर पार्क बनाए जाएंगे। प्रत्येक पार्क का निर्माण 52 लाख रुपए की राशि से होगा। घर बनाने, घर जमीन देने के लिए बिहार सरकार ने अपनाया गांधीवादी रास्ता। प्रदेश के बहुत से भूमिहीन लोगों को भूमि देने के लिए बिहार सरकार अब तत्पर नजर आ रही है। यही कारण है कि बिहार में भूदान आंदोलन के दौरान सरकार को मिली 40 लाख एकड़ जमीन में से अब तक सरकार आधी जमीन तो बांट चुकी है, आधी अब बांटने जा रही है। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ने बची हुई जमीनों को बांटने का काम कर दिया तो प्रदेश के बहुत से भूमिहीन लोगों को भूमि मिल जाएगा। प्रसिद्ध गांधीवादी एवं भूमि सुधार के लिए देश भर में आंदोलन चलाने वाले PV राजगोपाल ने इस बाबत अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भूदान की पूरी जमीन दी जाए तो भूमिहीन बेघर नहीं रहेंगे। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राजशेखर की। राजशेखर का जन्म आज ही के दिन साल 1980 में बिहार के मधेपुरा जिले में हुआ था। राजशेखर एक भारतीय गीतकार हैं। उन्होंने 2011 में फिल्म तनु वेड्स मनु के साथ एक गीतकार के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उन्होंने तनु वेड्स मनु रिटर्न, तम्बाड़, वीरे दी वेडिंग, हिचकी और उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक सहित अन्य उल्लेखनीय फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। उन्होंने आनंद एल रॉय के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने रॉय द्वारा निर्देशित और आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत बॉलीवुड फिल्म तनु वेड्स मनु में एक गीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने होम डिलीवरी में जाने तू या जाने ना और सुजॉय घोष में अब्बास टायरवाला को असिस्ट भी किया था। बिहार में अपराधियों का बचना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पटना में सुपर कंप्यूटर लगाने की तैयारी हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना CDAC द्वारा विस्कोमान भवन के 14वें फ्लोर पर की गई है, जो कि CDAC देश का 12वां सेंटर होगा। इस कंप्यूटर के लग जाने से साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर फोरेंसिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में ये पूरे देश, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में शोध और विकास में बेहद ही मददगार साबित होगा। इसके साथ ही इस कंप्यूटर की मदद से राज्य की गंगा, कोसी आदि नदियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जोड़कर सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी भी की जा सकेगी। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून की सक्रियता पूरे सितंबर तक दिख सकती है। मॉनसूनी ट्रफ लाइन अभी बिहार से दूर है, जिस कारण बारिश होना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन थमा नहीं है। मौसम विभाग के पटना केंद्र के अनुसार 22 सितंबर यानी बुधवार को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं 23 सितंबर यानी गुरुवार को पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में बारिश के आसार अधिक है। वहीं 24 सितंबर तक किसी भी जिले के लिए कोई खास अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
डीएसपी बीपीएससी में बढ़ी 103 और रिक्तियां। 67वीं बीपीएससी में डीएसपी और कई अन्य पदों की 103 रिक्तियों को शामिल करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब एक दो दिनों में आयोग को इन रिक्तियों के मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद परीक्षा का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। जानकारों की माने तो वर्तमान में 503 रिक्तियां हैं। नई रिक्तियों के आने के बाद इनकी कुल संख्या 606 हो जाएगी, जिनमें एसडीएम के 88 और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 133 पद शामिल है। 103 पद जो आने वाले हैं उनमें बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत डीएसपी समेत 3-4 विभागों की रिक्तियां हैं। हालांकि इनके आने के इंतजार में ही बीपीएससी ने अभी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन नहीं निकाला है। इनके आने के साथ ही विज्ञापन निकालने का काम भी जारी कर दिया जाएगा। डब्ल्यूएचओ की 4 सदस्यीय टीम पहुंची बिहार। दरभंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा का निरीक्षण करने बीते दिन भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिको एच ऑफरिन, क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉक्टर सुब्रमण्यम वीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय टीम लीडर डॉक्टर उज्जवल प्रसाद, पटना और दरभंगा के उप क्षेत्रीय टीम लीडर एवं डॉक्टर वाशव राज कार्तिक निगरानी चिकित्सा अधिकारी पहुंचे थे। 4 सदस्यीय टीम ने इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रसव कक्ष, टीकाकरण केंद्र, युवा क्लिनिक, ओपीडी, टीवी का अवलोकन किया और वहां मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही इस दौरान गर्भवती महिलाओं के साथ विस्तृत चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने की सिंगल विंडो वाले 3 ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत। बीते दिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित 3 ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत स्नातक संबंध प्रस्तावित संबंध महाविद्यालय के संबंधन हेतु ऑनलाइन पोर्टल, संबंधता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय के सहायक अनुदान की स्वीकृति हेतु पोर्टल, परंपरागत विश्वविद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मियों के नियुक्त होने सूचना संग्रहण पोर्टल को शुरू किया है। इसके दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पोर्टल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही इस दौरान बताया कि यह पोर्टल विश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए सूचना संग्रहण करने में भी काफी सहायक होगा। बिहार के सभी जिलों में इस महीने से शुरू होगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक। बिहार के सभी जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की शुरुआत होने वाली है, जो कि दिसंबर महीने से होगी। औरंगाबाद और पटना के तर्ज पर राज्य के अन्य जिलों में स्वचालित टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण होगा। इसके लिए राज्य के 20 बड़े जिलों को 75-75 लाख रुपए, जबकि छोटे जिलों को 50-50 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। इस ट्रैक के बन जाने के बाद से आने वाले दिनों में ड्राइविंग की परीक्षा मैनुअल के बजाय स्मार्ट तकनीक से होगी। साथ ही बिना परीक्षा दिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। इसको लेकर अब प्रशासन भी सख्त है और सभी जिलों के डीएम से सितंबर अंत में पूरी रिपोर्ट विभाग को सौंपने की बात कही है। जजों के आवास को लेकर दायर हुई जनहित याचिका। पटना हाईकोर्ट के कई सेवानिवृत्त जजों ने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है, जिसको लेकर अब जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो भी अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें उन्होंने बताया है कि सेवानिवृत्त जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस पीसी जायसवाल और जस्टिस ए के त्रिवेदी कई महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि अगर वो एक महीने के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं तो उन्हें आवास में रहने के लिए प्रावधान के अनुसार किराया देना होगा। उन्होंने कोर्ट से इस संबंध में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया है, ताकि सेवानिवृत्त जज अपने सरकारी आवास को खाली कर दे। बीएसईबी डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी आगे। डीएलएड परीक्षा का हिस्सा बन रहे सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है, जिसके तहत ही डीएलएड सत्र 2020-22 प्रथम वर्ष और सत्र 2019-21 के द्वितीय वर्ष के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ अब 22 सितंबर 2021 से 24 सितंबर 2021 तक भरे जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म के आधार पर डमी एडमिट कार्ड 22 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर मिल जाएगा। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा में 83% रहेंगे वैकल्पिक प्रश्न। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना जारी की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 2022 के टर्म 1 परीक्षा का समय निर्धारित कर दिया है, जो कि 1.5 घंटे की होने वाली है। हालांकि अब छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए बोर्ड ने 83% तक विकल्प वाले प्रश्न देने का निर्णय लिया है। हर विषय में प्रश्नवार अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो विज्ञान विषय में कुल 60 प्रश्न रहेंगे, इसमें 50 प्रश्न उत्तर देना होगा। प्रश्न पत्र को कई सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन के अनुसार अंक निर्धारित किए गए हैं। इस बार गणित स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का एक समान अंक निर्धारित किया गया है। काले हिरण को बचाने के लिए गंभीर हुआ बिहार।
बिहार में काले हिरण को बचाने की कवायद शुरू हो रही है, क्योंकि काले हिरणों को बचाने के लिए बिहार सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। यही कारण है कि बक्सर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर जाए जाने वाले काले हिरण को बचाने के लिए, साथ ही विलुप्त हो रहे काले हिरणों को संरक्षित करने को लेकर जिलाधिकारी ने नावानगर प्रखंड में 12 एकड़ सरकारी जमीन का चयन कर प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। चयनित जमीन को वन एवं पर्यावरण विभाग को भी डीपीआर तैयार कर भेज दिया गया है, जिसके बाद अगर सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी तो शीघ्र ही दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है, जिसके बाद शिकार हुए हिरणों को लाकर उनके इलाज समेत रहने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बिहार में 2 आईपीएस को लगा करारा झटका। बालू माफियाओं के साथ सांठगांठ और आय से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित चल रहे भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी रहे आईपीएस सुधीर कुमार पेरिका को बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत सरकार ने इन दोनों अफसरों को अगले साल तक सस्पेंड कर दिया है। बिहार गृह विभाग के आरक्षी शाखा की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, इसकी जानकारी दी गई है। ज्ञात हो आईपीएस अधिकारी और भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी रहे आईपीएस सुधीर कुमार पेरिका को अगले साल 22 जनवरी 2022 तक सस्पेंड किया गया है। इन अधिकारियों से तमाम आरोपों को लेकर जवाब मांगा गया था, लेकिन इन दोनों अफसरों ने ऐसा नहीं किया। अलर्ट के साथ ही बिहार के 13 जिलों के स्टेशन पर बढ़ाई गई चौकसी। नई दिल्ली से गिरफ्तार 2 आईएसआई के एजेंट के निशानदेही के बाद बिहार के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद बिहार के 13 जिलों के स्टेशनों के नजारे बदल गए हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, वहीं समस्तीपुर रेल मंडल पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बाबत स्टेशन और आसपास के इलाकों में एसएसबी आरपीएफ और रेल पुलिस के जवानों की मदद से लगातार सघन जांच अभियान चलाई जा रही है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर रेल थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने बताया कि विशेष तलाशी अभियान के क्रम में मेटल डिटेक्टर के साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। हर संदिग्ध यात्री और वस्तुओं की सतर्कता से जांच की जा रही है। दिल्ली और मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रहा टिकट। त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, दिवाली छठ त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार आने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट मिलना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। यही स्थिति मुंबई कोलकाता समेत अन्य जगहों से भागलपुर आने वाली ट्रेनों में भी देखने को मिला। रेलवे प्रशासन ने इस बाबत बताया कि विक्रमशिला एक्सप्रेस, आनंद विहार मालदा एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, पवन एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति सहित दर्जनों ट्रेन में कंफर्म टिकट फिलहाल नहीं मिल रही है। हालांकि इन सबके बीच त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तरफ से हर साल स्पेशल ट्रेन का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन इस बार अब तक रेलवे की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है, जिसके कारण यात्री परेशान है। राजद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की हुई शुरुआत। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए राजद ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की बात पहले ही कही थी, जिसके बाद बीते दिन से इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। जहां बीते दिन शिविर के पहले दिन कार्यक्रम का हिस्सा बने तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे, जिसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने से पिछली गलतियों से सीख लेकर आगे की रणनीति बनाने में सहायक होती है। शिवानंद तिवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सियासी मुद्दों को लेकर जदयू और भाजपा पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार विधानसभा के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से छेड़ी गई बहस के बाद ही भाजपा वाले रोजगार पर चुनाव लड़े और रोजगार की घोषणा उन्होंने की थी। राजनीति गरीब, रोजगार, शिक्षा आदि विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए, जिसमें राजनीति स्वच्छ और लोगों की भलाई वाली हो सके, लेकिन भाजपा हमेशा संप्रदाय के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राजद को बताया पैसे कमाने वाली पार्टी। राजद ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बीते दिन से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत तो कर दी है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तो काफी खुश नजर आए, लेकिन बिहार के अन्य राजनीतिक दलों को ये रास नहीं आया। यही कारण है कि राजद द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद तो शुरू से ही अपहरण और रंगदारी का प्रशिक्षण दे रही है, इस बार भी वही किया जाएगा। अब कुछ नया नया कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए किसी न किसी तरह का कार्यक्रम करती ही है, राजद भी इसी क्रम आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने टिकट वाले मुद्दे को लेकर भी तेजस्वी यादव का घेराव किया। ललन सिंह ने गुटबाज नेताओं को दी हिदायत। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने सभी नेताओं को बीते दिन 2 टूक नसीहत दी है। इस बाबत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। यहां केवल एक ही पार्टी है और वो है जदयू, और एक ही नेता है नीतीश कुमार। जो लोग व्यक्ति विशेष का गणेश परिक्रमा कर रहे हैं वो साफ साफ समझ ले कि यहां नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा पावर स्टेशन नहीं हो सकता है। इसके साथ ही ललन सिंह ने पार्टी की मजबूती और विस्तार पर बल देते हुए पार्टी के जिलाध्यक्षों को संपूर्ण जिले में पार्टी का विस्तार कर गांव-गांव तक संगठन को स्थापित करने की जिम्मेदारी भी इस दौरान दी।
बनी। साथ ही 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा में पार्टी को 2010 वाले लक्ष्य को प्राप्त करने का टास्क भी दिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में 1965 को आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का प्रकाशन आज ही के दिन साल 1988 में हुआ था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 में अमेरिका और फ्रांस के 10 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए थे। भारतीय योजना आयोग ने 2011 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामों में शहरों में 965 रुपये और गांव में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब मानने से इनकार किया था। भारत के समाज सुधारक वीएस श्रीनिवास शास्त्री का जन्म 1869 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी का निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन सिख समुदाय के पहले गुरु नानक देव जी का पंजाब के करतारपुर में 1540 को निधन हुआ था। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। आज के दिन को राष्ट्रीय गुलाब दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिल्म फेयर और आईफा के तर्ज पर बिहार में होगा बीफा का आयोजन। फिल्म फेयर और आईफा के तर्ज पर अब बिहार में फिल्म अवार्ड शो का आयोजन जल्द ही होने वाला है। रॉय फिल्म एंड एंटरटेनमेंट और SSV प्रोडक्शन की तरफ से बीफा यानी कि भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है। नवंबर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। 2 दिवसीय इस अवार्ड शो के दौरान लगभग पूरी बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम पटना में मौजूद होंगे। ज्ञात हो इस अवार्ड शो में बॉलीवुड के कई गणमान्य कलाकारों को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ अपनी भाषा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के समस्त ख्याति प्राप्त कलाकारों को भी पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। इस शो में चार चांद लगाने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, सनी लियोनी, जरीन खान, राजपाल यादव, राजू श्रीवास्तव, महिमा चौधरी, अमीषा पटेल, बॉबी देओल, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, अली खान, मुश्ताक खान, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, उदित नारायण जैसे कई कलाकार के मौजूद रहने की बात कही गई है। भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 33वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में आज खेला जाएगा। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार है। वहीं 8वें नंबर पर मौजूद हैदराबाद टीम के टॉप 4 में पहुंचने की संभावना लगभग असंभव है। दिल्ली टीम आज के मुकाबले में ऋषभ पंत की अगुवाई में ही उतरेगी, जो कि पहले चरण के दौरान फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि कंधे की चोट की वजह से पहले चरण से बाहर हुए श्रेयस अय्यर वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें आईपीएल 2021 का 33वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। व्हाट्सएप ने अपने पॉपुलर फीचर को किया बंद। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने पॉपुलर फीचर मैसेंजर रूम्स शॉर्टकट को हटा दिया है। इस फीचर को एक साल पहले ही लॉन्च किया गया था। बता दें कि व्हाट्सएप की तरफ से ऐप को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए नए फीचर्स को ऐड किया जाता रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर को नॉन बीटा यूजर के लिए उपलब्ध कराया है। लेकिन WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट की माने तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की तरफ से अपने पॉपुलर फीचर मैसेजर रूम्स शॉर्टकट को हटा दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सनोज कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, सोनम सिंह, देवराज दोस्ता, मनीष कुमार, अमारित कुमार, मनीष सिंह, अभिषेक कुमार, अंशु पाठक, कृतिका कनिका, कमलेश्वर पटेल, मृत्युंजय कुमार, राजीव कुमार, अशोक कुमार, शंभु कुमार, मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों में औषधीय पौधों के पार्क के बन जाने से आम नागरिकों को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।